नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्रिक गुरु में। आज हम बात करेंगे जो मैच होने वाला ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स और इंडियन वुमेन्स के बीच होने वाला है उसके बारे में। दोस्तों दोनों ही टीमों के तीन तीन मैच हैं, दोनों ही टीमों ने तीन तीन मैच जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है पॉइंट टेबल में, इंडिया सेकेंड रैंक पर है, सिर्फ इनकी नेट रन रेट ज़्यादा है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्या कुछ हमारी आज की ड्रीम इलेवन टीम होने वाली है उसके बारे में, क्या कुछ हमारी प्लेइंग इलेवन टीम होने वाली है उसके बारे में। उससे पहले दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। चलिए बात करते हैं यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन। विकेट कीपिंग सेक्शन में हेली हैं और तानिया भाटिया हैं, दोनों ही दोस्तों शानदार ऑप्शन है आपके पास, आप किसी को भी पिक कर सकते हो। हेली जो कि ओपन करती हुई नज़र आ जाएंगी अपनी टीम की तरफ से, तानिया भाटिया जो कि चार पाँच या छः नंबर पर किसी पर भी बल्लेबाजी करती हुई नज़र आ जाएंगी अपनी टीम की ओर से। दोस्तों दोनों ही शानदार बल्लेबाज, हेली रिसेंटली काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं तो आप इन्हें पिक कर सकते हो। दोस्तों तो मैंने यहाँ से एलिसा हेली को पिक किया। बात करते हैं दोस्तों बल्लेबाज डिपार्टमेंट की बात करें, स्मृति मंधाना दोस्तों शानदार फॉर्म में चल रही हैं, मिताली राज भी शानदार फॉर्म में चल रही हैं, जो मैगलेन लुंगलेन है जो कि कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया की, ये भी शानदार फॉर्म में चल रही हैं, आप इन्हें भी पिक कर सकते हो। दोनों ओपनिंग करेंगे दोस्तों, ये फर्स्ट डाउन करेंगे लुंगलेन या सेकंड डाउन करेंगे। यहाँ से यदि गार्डनर आपके लिए फर्स्ट डाउन करती हुई नज़र आएंगी तो लुंगलेन आपके लिए सेकंड डाउन करती हुई नज़र आ जाएंगी। दोस्तों बात करें हरमनप्रीत कौर की, चार नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे दोस्तों, एक शतक भी लगा चुकी हैं टूर्नामेंट में तो आप इन्हें भी पिक कर सकते हो। बात करें दोस्तों बैथ मोनिक पाँच या छः नंबर पर बल्लेबाजी करती हुई नज़र आ जाएंगी। दोस्तों एलिसा छः नंबर पर शायद से बल्लेबाजी करती हुई नज़र आ जाए, बैथमोनी यदि पाँच पे आएंगी तो एलिसा आपके लिए छः नंबर पर बल्लेबाजी करती हुई नज़र आ जाएंगी। बात करें दोस्तों बेदा कृष्ण मूर्ति भी पाँच से छः नंबर पर बल्लेबाजी करती हुई आपके लिए नज़र आ जाएंगी। बात करें दोस्तों रोड्रिगर्स आपके लिए यहाँ से फर्स्ट डाउन करती हुई नज़र आ जाएंगी इंडियन टीम की ओर से, काफ़ी अच्छी बल्लेबाज हैं, आप इन्हें पिक कर सकते हो। बात करें दोस्तों बॉल्टन आपके लिए खेलती हुई नज़र आएंगी नहीं दोस्तों, यहाँ से बात करें हाइनेस आपके लिए खेलती हुई नज़र आ जाएंगी, पाँच या छः नंबर पर बल्लेबाजी करती हुई नज़र आ जाएंगी। चलिए देख लेते हैं मैंने यहाँ से किस किस को पिक किया है। दोस्तों मिताली राज के बारे में एक न्यूज़ निकल के बाहर आ रही है, मैं आपको वो बता देता हूँ। इनके पिछले मैच में जो घुटने में चोट लग गई थी दोस्तों, तो अभी तक उसकी कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं आई, लगभग 80% आपके लिए खेलती हुई नज़र आ जाएंगी, लेकिन अभी मुझे कन्फर्म न्यूज़ कोई नहीं आई कि खेलेंगी या नहीं खेलेंगी। दोस्तों जैसे ही न्यूज़ मिलेगी मैं आपको लिए कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स चेक करते रहिएगा। तो मैं यहाँ से स्मृति मंधाना के साथ जाना पसंद करूँगा क्योंकि मेरे पास अभी कोई कन्फर्म न्यूज़ है नहीं। दोस्तों स्मृति मंधाना भी शानदार बल्लेबाज हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों, आप चाहो तो यहाँ से लुंगलेन को पिक कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ से हरमनप्रीत कौर को पिक किया, बेथ मोनिक पिक किया जो कि ओपन करती हुई नज़र आ जाएंगी ऑस्ट्रेलिया टीम की ओर से, लुंगलेन आपके लिए फर्स्ट डाउन करती हुई नज़र आ जाएंगी दोस्तों। और मैं यहाँ से रोड्रिगर्स को पिक करूँगा इंडियन टीम की ओर से। दोस्तों इस मैच में आपके लिए कैरेट की बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, कैरेट आपके लिए यहाँ से मेंटेन करके चलना होगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ से चार बल्लेबाज पिक कर ली हैं दोस्तों, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, बेथ मोनिक और रोड्रिगर्स। यदि आप बेथ मोनिक को पिक नहीं करना चाहते, लैनिंग को पिक करना चाहते हो, तो आप यहां से कर सकते हो दोस्तों। चलिए बात करते हैं ऑलराउंड डिपार्टमेंट एलिसा फेरी जो कि काफ़ी नीचे बल्लेबाजी करने आएंगी दोस्तों, और बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेती हैं दोस्तों। दीप्ति शर्मा, इन्होंने लास्ट मैच में जरूर परफॉर्मेंस दिया था, उससे पहले इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया था दोस्तों। अनुजा पाटिल, या तो दोस्तों हेमलता की जगह अनुजा पाटिल को मौका मिल सकता है, या दीप्ति शर्मा की जगह अनुजा पाटिल को मौका मिल सकता है, यदि कोई इंडियन टीम कोई चेंजेस करेगी तो दोस्तों ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों यहाँ से अनुजा पाटिल, गार्डनर जो कि आपको फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन बल्लेबाजी करती हुई नज़र आ जाएंगी, तो आप इन्हें भी पिक कर सकते हो दोस्तों, और शानदार बॉलर भी हैं दोस्तों। बात करें यहाँ से सुफायन मोलेक्स की, ये भी दोस्तों आपके लिए लगभग नीचे नंबर 6 से 7 से 8 नंबर पर बल्लेबाजी करती हुई नज़र आ जाएंगी, आप इन्हें पिक कर सकते हो। बात करें हेमलता की, 7 से 8 नंबर पर बल्लेबाजी करती हैं और बॉलिंग भी ठीक ठाक करती हैं दोस्तों, तो आप इन्हें पिक कर सकते हो। बात करें दोस्तों देविका, यहाँ से आपके लिए खेलती हुई नज़र आएंगी नहीं दोस्तों। बात करें मैंने यहाँ से किस किस को पिक किया, मैं यहाँ से दीप्ति शर्मा को पिक करूँगा, गार्डनर को पिक करूँगा और मोलिनेक्स को पिक करूँगा। शायद से टीम आज हेमलता की जगह अनुजा पाटिल को मौका दे दे दोस्तों, या दीप्ति शर्मा की जगह भी मौका दे सकती है टीम। यदि आप चाहे तो बिल्कुल सेफ जाना, तो आप यहाँ से एलिसा पेरी को पिक कर सकते हो दोस्तों, लेकिन थोड़ी बहुत रिस्क है दोस्तों, मैंने यहाँ से दीप्ति शर्मा को पिक किया है। चलिए बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट पूनम यादव हैं दोस्तों, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं दोस्तों,
मेगन सट हैं दोस्तों, आप इन्हें भी पिक कर सकते हो, शानदार बॉलर हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की ओर से लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले थे पूनम यादव, तो लगातार परफॉर्मेंस दे ही रही हैं। बात करें राधा यादव, राधा यादव दोस्तों आपके लिए बहुत शानदार पिक हो सकती है। लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले थे इन्होंने और अच्छी बॉलिंग इन्होंने आपके यहाँ से करके दी थी दोस्तों। बात करें मानसी जोशी की जगह अरुण धेती रेड्डी को टीम मौका दे सकती है दोस्तों, तो आप इन दोनों से दूर रहिएगा दोस्तों। बात करें यहाँ से डेलिशा की, आप डेलिशा को पिक कर सकते हो दोस्तों, शानदार बॉलर हैं और विकेट निकाल के भी आपको दे रही हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों जेनसन खेलती हुई नज़र आएंगी नहीं आपके लिए, ये भी खेलती हुई नज़र नहीं आएंगी। बात करें बेहराम की, बेहराम आपके लिए शानदार चॉइस पिक हो सकती है दोस्तों, शानदार बॉलिंग कर रही हैं, हर एक मैच में 1 या 2 विकेट निकाल के आपके लिए दे रही हैं, तो आप इन्हें भी लिए यहाँ से पिक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं मैंने किन किन को पिक किया। मैं यहाँ से पूनम यादव को पिक करूँगा, राधा यादव को पिक करूँगा और मैं बेरहम को पिक करूँगा दोस्तों। मैं स्पिनर ज़्यादा क्यों पिक कर रहा हूँ, क्योंकि जो टीम है वो स्पिन फ्रेंडली है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ से स्पिनर को ज़्यादा पिक कर रहा हूँ। आप चाहते हो तो यहाँ से राधा यादव को ड्रॉप करके आप यहाँ से राधा यादव को ड्रॉप करके मेगन सट को यहाँ से पिक कर सकते हो, आपके ऊपर है दोस्तों। आपको इन दोनों को पिक करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं कैडिट की आप, लेकिन मैंने यहाँ से राधा यादव को पिक किया। या आप चाहते हो एक चेंजेस और करना, बेथ मोनी की जगह आप यहाँ से किसी और को पिक करना, लैनिंग को पिक करना चाहते हो, तो आप यहाँ से लैनिंग को भी पिक कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास 0.5 कैडिट बच रहा है दोस्तों अभी, यदि हम ऐसा कॉम्बिनेशन रखते हैं। यदि आप यहाँ से एलिसा पेरी को पिक करना चाहते हो तो एलिसा पेरी को पिक कर सकते हो, फिर आपके पास 0.5 कैडिट नहीं बचेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ से टीम के कप्तान और उपकप्तान के बारे में। टीम के कप्तान और उपकप्तान के बारे में बात करें दोस्तों, आपके पास इस मैच में ऑप्शंस की कमी नहीं है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों। आप किसी को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन यहाँ से बना सकते हो। बात करें दोस्तों यहाँ से एलिसा हेली हैं दोस्तों, स्मृति मंधाना है, हरमनप्रीत कौर हैं और गार्डनर, आपके पास टॉप 4 ऑप्शन है दोस्तों। इनमें से आप किसी को कप्तान या उपकप्तान बनाइएगा, या आप चाहो तो यहाँ से हरमनप्रीत को कप्तान या एलिसा हेली को वाइस कैप्टन बना सकते हो, या एलिसा हेली को कैप्टन और हरमनप्रीत को वाइस कैप्टन बना सकते हो दोस्तों, आपके ऊपर है। या गार्डनर को कप्तान और हरमनप्रीत कौर को वाइस कैप्टन आप बना सकते हो, आपके ऊपर है दोस्तों। आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना पसंद करेंगे, आपके आज के मैच में ऑप्शंस की कमी आपके लिए है ही नहीं। चलिए बात करते हैं टीम के फाइनल प्रीव्यू। टीम के फाइनल प्रीव्यू की बात करें दोस्तों, हेली हैं, बेथ मोनी हैं, हरमनप्रीत कौर हैं, स्मृति मंधाना है, रोड्रिगर्स हैं। बात करें ऑलराउंड डिपार्टमेंट के, दीप्ति शर्मा, मोनेक्स हैं और गार्डनर हैं। बात करें दोस्तों बॉलिंग डिपार्टमेंट, पूनम यादव, राधा यादव और बेरहम हैं दोस्तों। आप इनमें से किसी को पिक कर सकते हो दोस्तों। कप्तान और कप्तान के लिए बेस्ट 3 चॉइस आपके लिए मैं यहाँ से बता देता हूँ। हेली हैं, हरमनप्रीत कौर हैं और गार्डनर है। आप इनमें से किसी को कप्तान या उपकप्तान बना दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।